हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ एनसीईआरटी क्लास टेंथ साइंस चैप्टर टू क्वेश्चन नंबर 9। फाइव सॉल्यूशंस ए बी सी डी एंड ई व्हेन टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर शोड पीएच एज 4, 1, 11, 7 एंड 9 रिस्पेक्टिवली। विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, स्ट्रांगली अल्कलाइन, स्ट्रांगली एसिडिक, वीकली एसिडिक, वीकली अल्कलाइन। तो फाइव सॉल्यूशंस ए बी सी डी एंड ई गिवन है आपको और इनके पीएच गिवन है 4, 1, 11, 7 एंड 9। अब इसमें से न्यूट्रल और एल्कलाइन ये बिहेवियर आपको बताना है। तो फर्स्ट ये पीएच इंडिकेटर अगर आपको गिवन है तो 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और जितना छोटा नंबर होगा, जितनी स्मॉलर वैल्यू होगी पीएच की, उतना ही एसिडिक बिहेवियर ज़्यादा होगा, उतना ही एसिड होगा। और 7 से ग्रेटर एल्कलाइन बिहेवियर है, एल्कलाइन बिहेवियर। तो जितनी बड़ी वैल्यू होगी पीएच की, उतना ही ज़्यादा एल्कलाइन होगा सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ए पार्ट, ए पार्ट में न्यूट्रल पूछा है। न्यूट्रल के लिए क्या होता है, पीएच 7 होता है। अब 7 पीएच डी सॉल्यूशन का है तो ए का आंसर हो गया सॉल्यूशन डी। नेक्स्ट बी, स्ट्रांगली एल्कलाइन, स्ट्रांगली एल्कलाइन मीन्स काफ़ी बड़ी वैल्यू होगी 7 से। अब नंबर्स हैं 1, 4, 11, 7 एंड 9, तो पहले इनको यहाँ पे मार्क कर लेते हैं 1, 4, 7, 11 एंड 9, 9 एंड 11। 4 वाला ए है, 1 बी, 11 सी, 7 डी एंड 9 ई। तो जितनी ज़्यादा वैल्यू है पीएच की, उतना ही ज़्यादा एल्कलाइन बिहेवियर। और स्ट्रांगली एल्कलाइन मीन्स 11 वाला ये सी हो जाएगा, तो बी का आंसर हो गया सॉल्यूशन सी। नेक्स्ट सी पार्ट, स्ट्रांगली एसिडिक मीन्स बहुत ही छोटी पीएच की वैल्यू, ये हो जाएगा 1 मीन्स सॉल्यूशन बी। डी पार्ट, वीकली एसिडिक, वीकली एसिडिक मीन्स 7 से तो लेसर होगी बट बहुत छोटी वैल्यू नहीं होगी, ये 4 हो गया, इसमें सॉल्यूशन ए। ई पार्ट, वीकली अल्कलाइन मीन्स 7 से ग्रेटर बट बहुत ज़्यादा ग्रेटर नहीं होनी चाहिए, और ये 9 वैल्यू है जो कि सॉल्यूशन ई की है। तो आपके आंसर्स हैं। और इसमें सेकंड पार्ट है, अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब जितना ज़्यादा एसिडिक होता है, उतना ही ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा, मींस जितनी छोटी वैल्यू पीएच की, उतना ही ज़्यादा हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन। मींस ये ऑर्डर किस तरफ चलेगा, इस तरफ से, इस डायरेक्शन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, आयन कंसंट्रेशन सबसे स्मॉलर होगा सी में, फिर ई में, नेक्स्ट डी, नेक्स्ट ए, और लार्जेस्ट होगा बी में।